सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान भोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सहस्रप्रभ निरभिघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच। देवी त्वं भक्तसुधे सर्वकार्यविधायिनी कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेण पिम्ब सुधिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषेः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीदुर्गापीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामभिजेतांसि देवी भगवते हिता बलादकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमदेव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखमहारणिका तु धन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतवीणाथ पवित्राय परायणि सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते बलिभ्यस्राहिणो देवी दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। अरोगानशेषान्नवः सदृष्टा अरुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयताम् प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमणम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मदेविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलालने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आया दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिणाकधारिणी चित्राचण्डखण्डा महातपा मणबुद्धिरहङ्कार चित्तलोपाजिताजिधिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्दा भवनी भव्या 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 सदा गतिः। शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती भट्टान्तर्परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मदङ्गमणिपूजिता
ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवे दशा चामुंडा देव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्याज बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशंभ शंभ हरणे महिषासुरमर्दिनि मधुकैटवहन्ते च चण्डमण्डविनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातणि सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेका सस्यधारणि कुमारी जैककन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वनप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रि तपस्विनि नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायणी च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनि य इदं प्रभते नित्यं दुर्गा नामदाशिकम् आसाध्यं विद्यते देवे त्रिषो लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हसिनमेव च चतुर्भगं तथा चान्दे लभेन्मोतिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या पठे नाम शताशुकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासदाम्यान्ये राज्यक्षेमवा पुण्यात् घोरोचनालक्तमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्वेन विलिख्ययन्त्रम् विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शरभिषाङ्गते विलक्ष्य प्रवढे स्तोत्रम् सर्वभे सङ्गणाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षर फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टम् छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जना सोमधुरो बीजम् धृबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बाभिर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपेऽभिनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्भियं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासोकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाशवं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देव भयातः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं ऋणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। ये सुभक्त्या स्मितारूणां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसेता न संशयः। वेदसंसातु चामुण्डा वाराही महिषासुना हेन्द्रीग्रसमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिववाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाध्या नानारत्नावशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुसलायुधं खेदकं दम्बरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारणमायुधमुत्तमम् धृत्याणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणामभयवर्धिनि राजां रक्षद मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां मृगधारिणि प्रदेचां वारुणि रक्ष्य वायभ्यां मृगवाहिणि उदेचां पादुकौमारि एषाणां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष्य अथ सर्वेष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्ष्य चामुण्डा शवाहना जय मे जागतः पादो विजय पादो पृष्ठतः हरिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योदने रक्ष उमा मूर्धने व्यवसिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्ष सरस्वती
ऋणेन्द्राय भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रियोद्वारवासिनी कपालोकालिका रक्षे कर्णमूले दुशङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे जलचिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षतकौमारे कण्ठदेशे दुशण्डिका भण्डिकां चित्रघण्डा च महामाया च तालुके कासाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवांशे धनोधरे नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकोबरे स्कन्ध्यः खण्डने रक्षे बाहु मे वज्रधारणे हस्यो दण्डने रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी सनौ रक्षे महादेवी मणः शोकविनाशिनी हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनागामिकामेढं कुदे महिषवाहिणी कट्यां भगवती रक्षे जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिणी गुरुभ्यो नारसिंहे च पादपृष्ठे तुतेजसि पादाङ्गुलेषु शिरक्षे पादाधस्तलवासिनि नखं द्रष्टा कराले च केशं जैवोर्ध्वकेशिणि परमगोपेषु कौबेरे तुजं वागेश्वरि रक्तमज्जावसा मांसान्यसि मेदांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुमरेश्वरि पद्मावदे पद्मकोशे कफे चूडामणेश ज्वालामुखेन ज्वालामभेद्या सर्वसन्ध्यशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारणे प्राणपाणौ तथा व्यानम् उदानं व्यासमानकम् वज्रः सा च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे योगिनि सत्त्वमयस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयुरक्षतवाराहे धर्मरक्षतवैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षतभैरवी पन्थानां सर्वथा रक्षन् मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दुःस्थानं वर्जितं गवचेनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छतो यदेच्छ शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र प्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भेद्पूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानाम विदुर्लभम् यः पठे त्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे द्वक्षतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विश्वोगादयः साभरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतिरहाखेचराश्चैव यलया चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिण्डश्च महाबलाः भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दक्षिणाथस्य कवचे संस्थिते मानो नतिर्भवेराज्ञस्येयो वृद्धिकराम्बरम् यः सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डलभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा गौकवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शशलोपनकारणम् तावत्तिष्ठति मे दिण्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ अर्घलास्तोत्र अस्य श्री अर्घलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटवमित्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजापथे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्यैवन शुम्भस्य धूम्राक्षस्य यमर्दिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्गे युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अजिन्दरोपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुबद्धो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सततं जयत्वम् अर्चयन्देह भक्तितः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि दुषतां नाशं विधेहि फलमुच्यके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डदेतदर्वणे चण्डिके तृणदायिने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भत्र संस्थे परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्थे देवि शश्वद्भक्त्या सुदाम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्थे परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणि वरसद्भाव पूजिते परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि प्रचण्डतो दण्ड दैत्यतर्पविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवि भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि वारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोत्सव इदं स्तोत्रं पठे त्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशते सङ्घा परमात्मोति सम्पदः अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाशिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाठकत्वेन
जपे विनियोग ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेयोवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे सिंह प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिक्षेमो राप्नोति सततम् द्यापि तत्परः सिद्ध्यन्तु चाधनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्राणौषधम् तत्र न किञ्चेद विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राण विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रम् वैकण्डिकायासो तच्च गुप्तम् जगालसः समाप्तेन च पुण्यस्य ताम् यथा वह्निनियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेमो आप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानुदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायेनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नः न च व्यापणतस्तस्य भयम् क्वापि ह जायते नाम मृत्योवशम् याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेतर्णाकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादियज्ञञ्च दृश्यते ललनायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणेषु जप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोक्षः स्तूयते सारकिञ्जने श्रीमहिषासुरमर्दने सत्र ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दमुदे गिरिवरविन्दशिहोदिनि वासिनि विश्वविलासयलेष्णुते भगवति हेषितिकण्डगुडुम्बिनि भूरिगुडुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरदिनि शैलसुते दुर्वरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि my
Sarana, 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 sarana,
लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि वियन्दे हरणि क्षमया परमेश्वरी आवाहनम् न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव मन्दहेनं क्रियाहेनं भक्तिहेनं गुरुद्वये यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णतरस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति चोद्धरे यां गतिं समवाप्नोति नतां ब्रह्मादयः तपराधोऽस्मे शरणं प्राकस्वां जगदाम्बिके इदानीमङ्गाम्योऽहं यदि च ते तथा कुरु अज्ञानाधिश्रुतभ्रान्त्या यञ्जोऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवीः परमेश्वरी कामेश्वरी जनमातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणा चामि मां प्रीत्यः प्रदीद परमेश्वरी द्वयादिभै जत वाले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस मां जगजन्य जगत माता का ध्यान करते हैं,
माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं। इसमें जगजन ने जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की मनोवलक्षित कामनाएं जो हैं वह पूर्ण होते हैं, वह सब ओर से परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों को परम ईश्वर की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होते ही रोगों से मुक्ति मिलती है और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस कल्याणमय देवी की आराधना, माँ की स्तुति, माँ की पूजा ये अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन जो है जो भक्तजन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, उस घर में उस गृहस्थ में जय माँ भगवती आदि शक्ति स्वयं लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती हैं, उन्नति को देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं, सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती हैं, उन भक्तों के जीवन कभी उनका अमंगल नहीं होता। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, सब कार्य उनके सिद्ध होते हैं, जो भी मन में चिंतन करते हैं वह सब उनके कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, वह सुखी जीवन जीते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये देवी की कृपा जिन पर हो जाती है, माँ की कृपा से उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है और संसार में उनका यश, उनका मान, उनका सम्मान, उनकी कीर्ति सर्वदा अटल बनी रहती है। कभी जीवन में उनके चरित्र में कोई काला धब्बा नहीं लगता जिन पर इस भगवती की कृपा होती है। जब माँ की जिन पर कृपा होती है उन्हीं का संसार में यश, मान, सम्मान जो है वह बना रहता है और वही लोग जो हैं जिन पर माँ की कृपा होती है, जग जन्य जिन पर प्रसन्न हो जाती है, वही लोग जो हैं अपने परिवार के साथ, अपने स्त्री, अपने पुत्र, अपने भाई बंधु के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर ये माँ प्रसन्न होती है। क्योंकि उनके गृहस्थ में, उनके परिवार में, उनके जीवन में कभी कोई क्लेश की कला नहीं होती, कभी क्लेश कला नहीं होती और उनके जीवन में कभी अशांति भी नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर माँ भगवती विराजमान होती है, इसकी कृपा होती है, बाहर हमेशा आत्म शांति होती है। इसलिए इस देवी की पूजा, इस माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना जो है जय भगवती वास्तव में सद्या फलदायी है और जिस सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले, सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले जय भगवती जो है, जय इस माँ भगवती की जिन पर कृपा होती है उन भक्तों का सब ओर से मंगल ही मंगल होता है। इस स्थान को किसने देखा था, किस पर माँ ने कृपा की थी, वास्तव में जो ही भक्त जिन माँ के शरणागत होकर के जो मैंने आपको बतलाया है किस तरह से विधिवत माँ की प्रतिदिन पूजा करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं और कभी कोई जीवन कष्ट भी आ जाए तो उस कष्ट में भयभीत मत होइए। माँ की जो जगाइए, कहते हैं कि पूरा परिवार एकत्रित होकर के जब माँ की स्तुति करते हैं, माँ की आरती करते हैं और माँ से प्रार्थना करते, क्षमा प्रार्थना करते हैं तो माँ की अवश्य कृपा होती है। प्रार्थना करें, माँ हमसे कहीं कोई भूल होगी है, हे भगवती हमें क्षमा कीजिए, ये जो हम पर विपत्ति आई है, ये जो कष्ट आया है इस कष्ट को दूर कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, देखें आप फिर पता नहीं चलेगा वह कष्ट आया कैसे और चला कैसे गया। इसलिए माँ पे जो भरोसा रखते हैं, अपने इस देवी पर सच्ची श्रद्धा विश्वास रखते हैं, निश्चित रूप से यकीन मानिए इस देवी की शक्ति के वश उन पर कृपा होती है, उनके जीवन अद्भुत चमत्कार हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। इस स्थान को किसने देखा था, किस पर माँ ने कृपा की थी, कहते हैं कर्ण के पास ही हंसाली नाम का गाँव है, वहां पर सिद्ध नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही निर्धन थे, उनके घर कोई संतान नहीं थे,
संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त श्रीधर ने अपने जीवन में ये एक निजम लिया था। वास्तव जो साधक अपने जीवन जब कोई निजम ले लेता है, उस निजम का ठीक प्रकार से पालन करता है, तो निश्चित रूप से उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्त श्रीधर ने निजम लिया कि प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करने, संध्या वंदन करना, उसके उपरांत जो है गांव के छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात भगवती के रूप मान करके प्रतिदिन वह कन्या पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, उन्हें साक्षात माँ भगवती के रूप मानते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके उपरांत ही वह अंजल ग्रहण करते थे, जो उसका निजम था। बिना कन्या पूजन किए वह अंजल ग्रहण नहीं करते थे, ऐसा उनका जी निजम था। इस प्रकार से भक्त श्रीधर जी श्रद्धा युक्त होकर के माँ की आराधना माँ की पूजा किया करते हैं। कहते हैं एक दिन माँ की कृपा हुई, भक्त श्रीधर जी ने जो निजम लिया था प्रतिदिन वह निजम पूर्व कन्या का पूजन कर रहे थे, जे भगवती भी उन्हीं में कन्या उन्हीं कन्या में आकर के कन्या के रूप में आकर के कन्या पूजन में बैठ गई। भक्त श्रीधर जी एक ओर से वह पूजन करते हुए जब माँ के पास पहुंचे तो उन्हें देखा बड़ी अद्भुत बालिका थी, मुखमंडल का इतना तेज था जिसे देखकर भक्त श्रीधर जी बड़े आश्चर्य चेत हुए कि इस कन्या को कभी पूजन में पहले देखा नहीं, जी कौन कन्या है। ऐसा विचार कर करके भक्त श्रीधर ने उससे पूछा कि देवी आप कौन है, आप कभी पहले पूजन में आए नहीं, मैंने कभी आपको पहले देखा नहीं, आप कौन है। तब माँ ने कहा हे भक्तराज, आप जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हो, जिस माँ वैष्णो की पूजा करते हो, मैं वही वैष्णवी हूँ। बोल वैष्णो माता की जय। माँ वैष्णवी कन्या के रूप में बाह करके बैठी और भक्त श्रीधर जी को साक्षात दर्शन हुए माँ के, और वास्तव में इस जगजन्य जगत माता ने जिन भक्तों को भी दर्शन दिए हैं वह कन्या के रूप में दिए हैं। और कन्या पूजन का जो श्रीमद देवी भागवत में जो पूजन का विधान बतलाया गया है, वह 2 वर्ष लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन जो सद्धा फलदायी बतलाया गया है, और 4 वर्णों की कन्या का पूजन जो आप कर सकते हैं, उसमें जो कहा गया श्रीमद देवी भागवत में कि जिस कार्य के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस प्रकार से आप कन्या का पूजन करें, वो शीघ्र माँ की कृपा होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन जो सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय कन्या का पूजन जो है ये सद्य फलदायी बतलाया गया है। धन धन की वृद्धि के लिए जो है, कारोबार की वृद्धि के लिए, धन धन की वृद्धि के लिए जो है, यह वैश्य कन्या का पूजन जो है यह सद्य फलदायी बतलाया गया है। रोग की मृत्यु के निवृत्ति के लिए ऐसा कोई साध्य रोग है जिसका जो है कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, ऐसे में कहा गया शूद्र कन्या का पूजन जो है जो करना चाहिए, ऐसा करने बहुत शीघ्र जो है उस रोग से जो मुक्ति मिलती है और वह साधक जो है दीर्घायु को प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 वर्णों के कन्या का पूजन जब बतलाया गया है, और प्रतिदिन जो है जो कन्या का पूजन करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, उन पर सदा सर्वदा ये देवी की जो है विशेष कृपा जो बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्त श्रीधर जी को माँ के दर्शन हुए, माँ ने कहा कि भक्तराज आप कन्या का पूजन कीजिए, उसके उपरांत मैं आपको अपना वर्तमान बतलाऊंगी। तब जो भक्त श्रीधर ने सभी कन्या का पूजन किया और कन्या के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, सभी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सब कन्या अपने अपने घर को चली गई प्रतिदिन की भांति, और जे माँ वैष्णवी वहीं पर बैठी रही। माँ ने भक्त श्रीधर से कहा कि भक्तराज आज के 3रे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो, और इस भंडारे के लिए प्रत्येक गाँव गाँव में जाकर के, नगर नगर में जाकर के जो भी मिले सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दो। इतना कहते माँ वैष्णवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोल वैष्णव माता की जय। दूसरे दिन भक्त श्रीधर जी उठे, अपना जो निजम था किया, कन्या पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और घर से निकल पड़ा। जो भी मिलता घर घर में जाकर के घर में जाकर के उन्होंने वैष्णव भंडार का निमंत्र दिया। रास्ते में कोई मिलता उसको भी प्रणाम करता, जय माता दी बोलता और निमंत्रण देता कि कल हमारे यहाँ वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण है। इस प्रकार से भंडारे का निमंत्रण देते हुए सायंकाल जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जोगी वैरुनाथ जी मिले।
योगी वैरनाथ जी को भक्त सृजन ने जो है प्रणाम किया और उनसे भी प्रार्थना की, महाराज कल हमारे जहाँ वैश्य भंडारा है, आपको निमंत्रण है, इस मंत्र को स्वीकार कीजिए, भंडारे में अवश्य आना। योगी वैरनाथ जी ने विचार किया, जब ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके घर में स्वयं कुछ खाने को नहीं तो हमें क्या भंडारा खिलाएगा। तब योगी वैरनाथ जी ने कहा, ब्राह्मण मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब जो है भक्त सृजन ने कहा, महाराज कल एक प्रातःकाल छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, उसी के कहने पर मैंने सबको निमंत्रण दिया है, और मैं वापस लौट रहा था, आपसे भेंट हुई इसलिए, क्योंकि माँ की यही आज्ञा है कि जो भी मिले सबको भंडारे के लिए निमंत्रण देना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, भंडारे में अपने शिष्यों सहित अवश्य ही। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो कि वैरनाथ ने ब्राह्मण का भोजन जो है निमंत्रण स्वीकार कर कहा कि हम निमंत्रण में अवश्य आएंगे, हम भंडारे में अवश्य आएंगे। दूसरे दिन भंडारे का समय हुआ, सभी अतिथिगण वहां पर आने लगे और वहां पर तो कोई प्रबंध था ही नहीं। भक्त सिरधर ने माँ की जोत जगाई, एकांत में बैठे माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया, माँ आपने जो कहा था वह सब मैंने कर दिया, सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दे दिया, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, निमंत्रण तो दे दिया परंतु जहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं कैसे, जो अतिथिगण जो है मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा, क्या खिलाऊंगा, और सबसे बड़ा भाई तो माँ मुझे योगी वैरनाथ का है, यदि मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया, क्योंकि घर अतिथि बुलाएं और उनका सम्मान न करें जो उचित नहीं होता, अतिथि भी श्राप देता है। तो जो है उस समय एकाग्रचित होकर के जब भक्त सिरधर ने माँ को याद किया, माँ का स्मरण किया, माँ को पुकारा, कहते सच्ची पुकार जो है हृदय से जब साधु पुकारता है तो देव जी उस पुकार को सुनते हैं। द्वापर में जिस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, संकट में थी, विपत्ति में थी, सभी लोग अपने जितने भी सगा संबंधी भाई बंधु पति पांच पति वहां विराजमान थे, बड़े बड़े योद्धा जो है भीष्म पितामह जो उस समय जो है उसका सामना करने वाला कोई था ही नहीं, इतने विद्वान थे, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में जो निपुण थे, ऐसे भीष्म पिता भय गर्दन झुकाकर बैठे हुए थे, सहायता के लिए आगे नहीं आए। उस संकट काल में द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया, जब हृदय से भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया, तो भगवान उसी क्षण माँ जो द्रौपदी की जो है लाज बचाने के लिए वहां पर आए और द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए भगवान कहते हैं, आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आप मुझे याद तो कीजिए, सच्चे हृदय से जो भी भक्त जन इस जगजन्य को याद करता है, यकीन मानिए माँ अद्भुत चमत्कार कर देती है उनके जीवन में। भक्त सज्जन जैसे ही माँ को पुकारा, माँ उसी क्षण जय कन्या के रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए भक्त सिरधर के सामने खड़ी हो गई साक्षर जो है, और भक्त सिर जी को कहा कि अपने नेत्र खोलो, ध्यान में बैठे हुए थे, हिलाया, सिर पे हाथ रखा, भक्त सिर जी ने अपने नेत्र देखे तो माँ के साक्षर दर्शन हुए। बोले वैष्णो माता की जय। माँ वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन हुए, माँ के चरणों में भक्त सरदर ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति की, माँ मैं तो भयभीत हो गया था, हे माँ सभी अतिथिगण यहां पर पहुंच चुके हैं और मैं तो व्यवस्था करने में असमर्थ हूं, मेरी लाज तेरे हाथ में ही, माँ ने कहा तो क्यों घबराता है, निश्चिंत हो जा। माँ ने अपने योग द्वारा कुटी का निर्माण किया और कहा कि सबको आदर पूर्वक कुटिया के अंदर बिठाइए। भक्त सिरधर जी सबको जय माता जी बोलते हुए आप जो कुटिया के अंदर बिठाने लगे, छोटी सी कुटी है, सभी उसमें बैठे जा रहे हैं और योगी वैरनाथ जी अपने शिष्यों साथ उस कुटिया के अंदर बैठ गए और फिर भी उसमें स्थान खाली रहा। जे अद्भुत चमत्कार देख करके योगी वैरनाथ जी विचार करने लगे,
जो कोई मायावी शक्ति है या बस वहां भगवती आदि शक्ति ने अवतार ले लिया है। कई बार कहते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन भी हो जाएं तो ये व्यक्ति सुधरता नहीं है। दुर्योधन को भगवान के साक्षात दर्शन हुए, स्वयं भगवान उसके पास गए समझाने के लिए, तो वह सुधरा नहीं। रावण के सामने भगवान श्री राम सामने साक्षात खड़े थे तो भी सुधरा नहीं। भगवान के सामने आने पर भी और जिन पर कृपा हो जाती है वह बिना दर्शनों के उन वह कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। जो कि वैरुणा जी विचार कर ले हैं, जो कोई माया भी शक्ति है जहां पर उस मां भगवती आदि शक्ति ने अवतार ले लिया है, परीक्षा लेनी चाहिए। अब जो है सभी बैठ के एक ओर से मां ने जो है सबको भोजन पोषण प्रारंभ किया, एक एक मंडल है अनेक पदार्थ जो है एक एक मंडल सब किसी अनुसार भोजन परोसते हुए भगवती आगे बढ़ रही थी। जब जोगी वैरुनाथ के पास पहुंचे तो जोगी वैरुनाथ ने उसे रोक लिया और कहा आप सबके मन के इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हमारे मन की जो इच्छा है, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है हमें हमारी इच्छा अनुसार हम भोजन मिलना चाहिए। तब जो है माँ ने कहा जोगी वैरुनाथ जे वैष्णव बढ़ा रहा है जहाँ वैष्णव भोजन मिलेगा इसे स्वीकार कीजिए। इतने कहकर के जैसे माँ आगे बढ़ी तो जोगी वैरुनाथ उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ वहीं से ही अंतर्ध्यान हो गई। बोले सच्चे दरबार की जय। और जहीं से जोगी वैरुनाथ जी ने माँ का पीछा प्रारंभ किया था, पीछा करना प्रारंभ किया था, जोगी वैरुनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा कि माँ बाण गंगा के पास खड़ी थी, हनुमान जी उनके साथ थे और जोगी वैरुनाथ जी ने माँ का पीछा प्रारंभ कर दिया। वहां हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल नहीं है। तब माँ ने वहां पर बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा प्रकट के हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश अपने बाल धोए। इसलिए स्थान को जो दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है बाण गंगा तथा बाल गंगा, बाण के द्वारा प्रकट की गंगा है इसलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है और माँ ने अपने बाल अपने केश में हाथ धोए थे इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। जहाँ पर भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आते हैं बाण गंगा जिस स्थान पर स्नान करते हैं वहीं पीछे थोड़ा जाकर के जो है वहां पर एक होल बना हुआ जहाँ पर माँ ने बाण मारा था और वहीं से ये गंगा जो जल जो है वह निकलता है, गंगा निकलती है। वहां से माँ जो है चली चंद्रपादुका पहुंचे, चंद्रपादुका माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी वैरुनाथ उसके पीछे आ रहा था, तो चंद्रपादुका माँ के रुकने के चरण चिन्ह है। जब भक्तजन माँ के दर्शन के लिए माँ के दरबार में आते हैं तो रास्ते में चंद्रपादुका में वहां पर स्थान पर कुछ क्षण रुकते हैं, उन चरणों में जो है नतमस्तक होते अपना मस्तक माँ के चरण झुकाते हैं और वहां का चरणामृत ग्रहण कर करके कृतज्ञ होते हैं। वहां से माँ चले अर्धकुआरी पहुंची, अर्धकुआरी में जो है उस गुहा के अंदर माँ 9 महीने तक तप करती रही बिना कुछ खाए पिए। उस गुहा का नाम गर्भझूंड पड़ा हुआ है क्योंकि 9 महीने तक जैसे एक बच्चा जो माँ के घर में रहता है वैसे माँ जो है उस गुहा के अंदर तप करती रही। जब जोगी वैरुनाथ माँ का पीछा करता वहां भी आ पहुंचा तो माँ ने दूसरी ओर से रास्ता निकाला और वहीं से प्रस्थान किए, वहां से भी चल पड़ी। चलते चलते इस गुफा द्वार पर आ पहुंचे जहाँ आकर के माँ ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि हनुमान मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ और जो है आप प्रहरी के रूप में गुफा द्वार पर विराजमान रहना, कोई भी आए उसको बाहर रोकना, कोई अंदर प्रवेश न कर पाए, मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। इतना कह करके माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब जोगी वैरुनाथ माँ का पीछा करता हुआ जहां भी आ पहुंचा और गुहा के अंदर प्रवेश करने लगा तब हनुमान जी ने उसे रोका, रोकने से रोका नहीं हट करने लगा अंदर जाने के लिए, तो हनुमान जी ने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। अब इसी स्थान पर जहां बैठे हुए हैं जहीं पर जो है जोगी वैरुनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, परस्पर दोनों का युद्ध हुआ और जे वह बार बार हट कर रहा था अंदर जाने के लिए, हनुमान जी जो है उसको रोकते रहे। जे सारी लीला माँ अपने योग द्वारा गुफा के अंदर से देख रही थी, तब माँ ने देखा कि दुष्ट को मैंने बड़ा समय दिया कि दुष्टता छोड़ दे, परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित है। कहते कि माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी वैरुनाथ का शीश काट दिया।
जो कि भैरवनाथ का शीश जो है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी है वहाँ पर गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने इस गुहा द्वार पर गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए लोग भक्तजन जो है माँ के दर्शनों के लिए इस गुहा के अंदर जाते हैं। तब जब जोगी भैरवनाथ का माँ ने शीश काट दिया तो जोगी भैरवनाथ अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ, विलाप करता हुआ, रुदन करता हुआ माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि माँ मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं आपको जान नहीं सका, माँ मैं बड़ा पापी हूँ, कुकर्मी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, माँ मुझे आने वाले समय लोग इस दृष्टि देखेंगे मुझे पापी कहेंगे, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। इस प्रकार से विलाप करता हुआ जोगी भैरवनाथ जो है माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब कहते हैं कुपुत्र जात कुछ कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ में ही ऐसी शक्ति होती है क्षमा करने की और सहन करने की। माँ बच्चे के बड़े बड़े अपराध सहन करती है, जब बच्चा अपराध करता है फिर माँ के पास आता है, मामा कहकर पुकारता है तो माँ उन अपराधों को भूल जाती है, फिर उसको अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि हम सभी उसी के संतान हैं। तब माँ ने कहा कि जोगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, हे जोगी भैरवनाथ मैं आपको क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार बार तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इससे सिद्ध होता ही बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ भगवती के शरणागत होकर के अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ माँ से क्षमा प्रार्थना करता है तो जब भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, अपराधों को क्षमा करती है और आगे के लिए जो संकल्प लेते हैं कि माँ मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ आपके चरणों की भक्ति करता हुआ मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो माँ क्षमा करती ही कि जोगी भैरवनाथ को माँ ने क्षमा किया और वरदान दिया कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन तेरे मेरे दर्शन यहाँ पर आएंगे जाति बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो वही भैरवनाथ जो था वह भी इस प्रकार देव रूम में बैठ करके वह भी लोगों का कल्याण कर रहा है। कहते हैं उसका दर्शन कर माँ के दर्शन के उपरांत जो है भैरव जा दर्शन करने से भूत प्रेत आदि बाधा जो सब दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से यह माँ ने ऐसा वरदान जो है योगी भैरवनाथ जी को दिया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। उधर भक्त सिरदर्द जी दिन राज चिंता करने लगे माँ कहाँ चलेगी, दिन रात जो है चिंतन करते माँ आप आई और चले गए कहाँ चले गए, उनको माँ को बार बार पुकारते। तब कहते हैं कि माँ ने एक दिन भक्त सिरदर्द जी को सपन में दर्शन दिए और जो से अपने साथ ले आई, ये सारा दुर्ग मार्ग दिखलाते हुए इस गुहा के अंदर माँ जगजननी वैष्णो देवी ने इस पिंडी गृह में अपने दर्शन दिखलाए और कहा मैं इस गुहा के अंदर इस पिंडी गृह में विराजमान हूँ, यही मेरा स्वरूप है, इस पिंडी गृह में जहाँ विराजमान होकर के मैं तप कर रही हूँ, जब घोर कल युग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। भक्सर जी प्रातः काल उठे, स्नान किया, कन्या पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लिया और जैसा सपन देखा था, जो माँ ने सपने मार्ग दिखलाया था प्रातःकाल उसी मार्ग की ओर चल पड़ा। इस दुर्ग मार्ग से होते हुए भक्त सिरदर जी इस गुहा द्वार पर आ पहुंचे, जो भक्त सिरदर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है। भक्त सिरदर पर जहाँ पर आए और इस गुहा के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया और इस जगजन्य जगत माता के पिंडी गुरु में दर्शन की, जैसा स्वरूप माँ ने बतलाया था वैसा ही जहाँ पर आकर के उसने पाया। इस पिंडी गृह में माँ के दर्शन किए और तभी से भक्त सिरदर्द ने माँ की पूजा करना जहाँ पर प्रारंभ कर दी, बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति भाव से प्रतिदिन माँ की पूजा करते थे। उस समय जो सारा जंगल आज तो मंगल ही मंगल है, उस समय जो है उन परिस्थितियों में जो है भक्त सिरदर्द इस प्रकार से माँ की पूजा करते जहाँ पर जो है और
माँ की कृपा ही कालांतर को समय को प्रांत माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर के घर चार पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो हैं उन्हीं श्रीधर के वंश से ही माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। इतनी कृपा भक्त श्रीधर पर आज भी माँ की बनी हुई है। माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर का वंश जो है आज भी फल फूल रहा है। ये पूजा का फल है, साधना का फल है, माँ की कृपा का फल है, माँ भगवती के आशीर्वाद का फल है। और जिस परिवार पर जिस ग्रस्त पर जो है इस माँ की कृपा हो जाती है, माँ का आशीर्वाद हो जाता है, उस ग्रस्त में जो है वह वंश जो है जब तक जो सृष्टि रहती है, जो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा जो है जो विद्यमान रहते हैं, सूर्य चंद्रमा जब तक गतिमान रहते हैं तब तक उनका वंश जो है वह धर्म के मार्ग पर सृष्टि पर जो है धर्म के मार्ग पर चलता धर्मानुकूल कर्म करता होगा परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आज भी माँ की इतनी कृपा है उस परिवार पर भक्त श्रीधर के वंश पर जो है कि माँ की कृपा से भक्त श्रीधर का वंश जो है आज ही फल फूल रहे हैं। इसी प्रकार से माँ की कृपा माँ के आशीर्वाद से आज वही निजम जो है जो भक्त श्रीधर के बनाए हुए निजम जो थे उन्हीं निजम का पालन करते हैं उनका वंश जो है उसी तरह से माँ की पूजा करते हैं। और प्रतिदिन जो है कन्या पूजन किए बिना वह अंजल ग्रहण नहीं करते, जहाँ पर माँ के दरबार में भी और अपने परिवार अपने गृहस्थ में भी, ऐसा जो निजम है। और निजम का पालन करने से ही वास्तव में सिद्धि प्राप्त होती है। माँ भगवती की आप शरणागत भक्त पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा मिली रहे और माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोवांछित कामना है वह सब पूर्ण हो और माँ की कृपा से आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शिरोवाली जी का मूल सच्चे दरबार की जय। जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है, बिगड़ी बनाती है माँ लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है, बिगड़ी बनाती है माँ लहराती है। हाथ खुल कर अकेले काले नहीं काले के भाई माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे आपके मरादे भरे करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। इस चुनरी के खेल निराले, इस चुनरी के खेल निराले, इस चुनरी के खेल निराले, सबके घर में किए उजाले, सबके घर में किए उजाले, वो सबके घर में किए उजाले, सबके घर में किए उजाले। जब अपना बनाती है माँ चुनरी लहराती है, जब अपना बनाती है माँ चुनरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनरी लहराती है।
अपना प्यार लुटाती है, अपना प्यार लुटाती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ तुम्हारी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ तुम्हारी लहराती है, तो अपनी छाया जिस पर कर दे, अपनी छाया जिस पर कर दे, माँ अपनी छाया जिस पर कर दे, अपनी छाया जिस पर कर दे, खुशियों से दामन को भर 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 दे, जब गले लगाती है माँ नदी लहराती है, जब गले लगाती है माँ नदी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती 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 है माँ नदी लहराती है, आती है मैया आती है, आती है मैया आती है, मैं अपना प्यार लुटाती है, अपना प्यार लुटाती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ जब दर्श दिखाती है माँ सुनहरी लहराती है, 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 जब बिगड़ी बनाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ सुनहरी लहराती है, वो सारे जग को रचने वाली, 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 जब सबको बुलाती है माँ सुनहरी लहराती है, सबको बुलाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब सबको बुलाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब सबको बुलाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब अपना बनाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब गले लगाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब गले लगाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब दर्श दिखाती है माँ सुनहरी लहराती है, जब दर्श दिखाती है माँ
सब बिगड़ी बनाती है माँ सुनहरी लहराती है शेरोवाली जी का सच्चे दरबार की जय श्री अश्वल जी जयकार शेरोवाली और सच्चे दरबार की जय मंगी मैं मुराद सजा तेरे को तो लेंगे सदा तेरे को लईए तेरे सुभा मैनू लोड़ दे तेरी एक बार मैनू भर गई
सच्चे दरबार की जय। आरोड़ा सिद्धांत भ्रमत गगन दक्षिण चक सूत्र बामे हस्त दिभ्यांभ कनकमय पुस्तक जन गम्य सभिनाभदंत स्वकर कृजपे शास्त्र विज्ञान शब्द श्रीणंत दिव्य रूप कर कमलधर भरती सुप्रसन्न सचिन जोता हरी माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2070 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 25 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही बुधवार तदनुसार 8 मई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम कंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सत्वी संज्ञा कथम पुण्यन भवति सत्संग का प्राप्त होना जे बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होते हैं जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। जे माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर जो भक्तों के हृदय कमल में परम कल्याणमय बुद्धि के रूप में विराजमान होकर के उन भक्तों का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि देवी की जब कृपा होती है तो भक्तों के हृदय में इसी प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं। हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी की सेवा करें, प्रभु कार्य करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन जगत माता की आराधना अर्चना पूजा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती की इसी तरह से भक्त कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव श्रीमान सस्व भव प्रज्ञा भान भव भूर्भुवत् कर्ण धान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्व दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुना बुद्धिनाशोस्व मित्राणाम देवस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी
मैया दी को विद मत को Yeah.
रतमली माता तेरी सदा ही जय संत मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय संत सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, ताल बजाते जय माता दी, जप बोलो जय माता दी, 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 मल बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय जय अम्बे, 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 दरबार की जय। तब सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, समझ कर बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। पूर्व बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैयाथ पहल जो सतगरी जो चरणा का ज्ञान, जय माँ।
खरगम चक्र वर्गाम चोलम्ब शुंडिरासंगम संदल लिंगणेशूषा विदाम नीलाक्ष पादगाम देवे महाकालिका जामस्तो सविदे हरो कमलजो हन्तुं मधुकेतम् रक्षासन परिशं गरीशुगुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजं घण्टासुरावादनं चूलं पाददर्शने जगदे हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवमर्गनीमय लक्ष्मी सरोजस्तितां घण्टाशूलालिसङ्गमसुले चन्द्रं धनुसायकम् आच्छादितपिङ्गलाञ्जविलसाक्षीकाशल्याप्रवां दोरे देवसमन्धवां त्रिलोकतां राधारघुसां पूर्वामस्तसरस्वती मनमजे शुम्भादिदित्यायिनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुसहा तुमेव विद्या दैवं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भगवशरणं परमानन्दं विश्वादारं गगनचर्यं मेघवर्णं सुवाङ्मयम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुभङ्गं वन्दे विष्णो भगवान् सर्वलोकैकमस्तिकं केशवमनारायणं सुखामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं कर्तिकावेलहं जानकीनायकं शिरोवसन्दं भजे हरे मुरारे मुरारे गोविन्द गोपालमहं कृष्णं ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि सत्या ज्योता बाली माता तेरी पंचफुला रानी माता तेरी सदाई सर्वदा बला चंद वाली माता तेरी सदाई सारे संसार विच्छांति वाली माता तेरी सदाई बुला चुका माप चंद वाली माता तेरी सदाई मंकरा भी ठाकुर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिवर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय ओम नमो देवाय
शिकारी